नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब की पल पल की खबर आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज हम आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आए हैं कि LDC की जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है। क्या उसकी आपत्ति की दिनांक है, क्या उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, 12, 19 व 9 और 16 सितंबर 2018 को LDC राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा LDC की जो एग्ज़ाम है वो आयोजित हुई थी। तो आपको बता दें कि उसकी आंसर की है वो जारी हो चुकी है और उसका जो मास्टर प्रश्न पत्र और उसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी है वो वेबसाइट पर अपलोड की कर दी गई है। आप जो है वो ऑनलाइन अधीनस्थ बोर्ड की जो साइट है उस पर देख सकते हैं और उसको। और आपको बता दें कि आपत्ति की जो दिनांक है, जो आंसर की जारी होने के बाद आपकी जो आपत्ति है वो आप दिनांक 14 नवंबर 2018 से 17 नवंबर 2018 को रात्रि 12 बजे तक दर्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। और आपत्ति दिनांक दर्ज करने के लिए जो आपकी आवश्यक है वो आपको परीक्षा के दिनांक, प्रथम या द्वितीय प्रश्न पत्र का उल्लेख आपको बताना होगा जो आपकी आपत्ति है वो दर्ज करने के लिए। और आपत्ति दर्ज करने का जो शुल्क है वो मात्र 100 रुपये है। वो आप ई मित्र के द्वारा या फिर ऑनलाइन किसी भी कार्ड पेमेंट या किसी के द्वारा भी आप दर्ज कर सकते हो। तो ये थी जो उत्तर कुंजी है इससे संबंधित आज की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।